तो गाइस, घर पर जो हमारे एक्सपायर हो जाती है दवाइयाँ, अक्सर हम लोग उठा के इसको फेंक देते हैं क्योंकि ऑब्वियसली उसका कुछ काम ही नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, इसके बाद आप जो है इसको कभी फेंकेंगे नहीं। जब भी आपकी कोई भी मेडिसिन वगैरह एक्सपायर हो जाएगी, उसको आप उठा के संभाल के रख देंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा फार्मूला बनकर रेडी होगा। क्योंकि जो मेडिसिन जो है एक्सपायर हो जाती है ना, तो वो अलग ही पॉइजन बन जाता है, बहुत ही मतलब इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। तो बहुत ही मैं यूज़फुल टिप्स शेयर करूँगी, जिससे मतलब आपके घर में बहुत ही ज़्यादा काम आ जाएगी। तो जो भी आपके पास टेबलेट है, उसको आप फेंको मत, उसको आप संभाल के रख दो। तो मैंने आपको बताया कि ये देखिए, मेरे पास इतनी सारी टैबलेट्स है, आगे भी मैं इससे रिलेटेड और भी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। फिलहाल तो मैं आज आपके साथ बहुत ही यूजफुल जो चीज़ें हैं वो शेयर करने लगी हूँ। तो इसको लेने के लिए मैं एक पाउडर, इसको बनाना है मुझे दवे का। तो कोई भी टैबलेट्स वगैरह आपके पास है इस तरीके से फिलहाल, तो वो ले लीजिए, वरना मैं आपको अभी बता रही हूँ, अगर आगे से आपके पास कोई भी चीज़ें एक्सपायर हो जाएंगी, कोई भी दवा वगैरह, तो आप उसको इस तरीके से यूज़ कर लीजिए। तो जैसे कि मैंने 3 से 4 या 5 टैबलेट मैं ले लेती हूँ यहाँ पे, उसको अच्छे से मुझे पाउडर फॉर्म में कर लेना है। तो इससे होगा क्या, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, क्योंकि हमारे जो सिंक एरिया होता है उसमें अक्सर आपने देखा होगा कन खजूर आ जाता है, छोटे छोटे कॉकरोच आ जाते हैं। जब भी हम रात को जो लाइट ऑफ कर देते हैं किचन की, जब आते हैं, ऐसे दिन में बहुत कम उनके चांस होते हैं आने के, लेकिन रात में तो अक्सर ही आ जाते हैं। तो उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये जो मैं आपको बनाना बता रही हूँ फॉर्मूला, इससे आपके घर में ना कॉकरोच वगैरह कन खजूरा वगैरह नहीं आएंगे। स्पेशल कन खजूरा नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। तो इसके लिए लेना है आपको पानी। तो एक्चुअली मुझसे एक गलती हो गई है, पानी की क्वांटिटी थोड़ा सी कम हो गई है, आप क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा दीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। और उसको मैं गर्म कर लूँगी अच्छे से, तो आपको भी पानी को अच्छे से गर्म करना है, क्वांटिटी को बढ़ा के, ओके। और जितनी मैंने मेडिसिन ली है वो ये हिसाब से ही ली है, मतलब इतने पानी के हिसाब से ही ली है। तो आपको भी पानी अगर आप बढ़ा रहे हो ना, तो वो दवे की जो क्वांटिटी है ना, उसको भी आपको बढ़ा लेना है। जो भी कुछ मैं आगे ऐड करूंगी ना, उसको भी आप डबल कर लीजिए, उसकी क्वांटिटी भी आपको डबल ही कर लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेरा जो पानी है गर्म हो गया है अच्छे से, और जो हमने दवे का जो फॉर्मूला बनाया था उसको साइड में रखना है। इसमें बहुत ही यूजफुल इंग्रेडिएंट्स ऐड करूंगी, जिससे जो है कन खजूरा बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होता है, और जो आपका सिंक एरिया भी ब्लॉक वगैरह होगा, कचरे वगैरह होंगे, छोटे छोटे बाल वगैरह हो जाते हैं, वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो हर घर में इस तरीके से बेकिंग सोडा होता है, तो आपको वो ले लेना है, और वो भी मैंने इस पानी के हिसाब से लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पानी भी एक्स्ट्रा ही लेना चाहिए था, क्योंकि जब मैंने सिंक में इसको डाला ना, तो मुझे क्वांटिटी थोड़ा कम लगी है, क्योंकि ये जो मेरा जो बर्तन है ना, उसको फुल भर के मुझे पानी को उबालना चाहिए था, ताकि पूरी जो लाइन है ना, पाइप है ना मेरे सिंक की, वो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ, तो जो अब मैंने पाउडर बनाया था ना मेडिसिन का, वो मुझे यहाँ पे ऐड कर लेना है। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, पानी हमारा बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। अब हमें जो सिंक वाला एरिया है उसको अच्छे से क्लीन करना है, आफ्टर डिनर ये वाला प्रोसेस आपको करना है। तो सिंक को अच्छे से आपको क्लीन करने के बाद आपको ये वाला प्रोसेस करना है। उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताती हूँ, आपका सिंक भी अच्छे से क्लीन होगा और बहुत ही अच्छा शाइन करने लगेगा ये फॉर्मूला डालने के बाद, और काफी अच्छा रिजल्ट आपको मॉर्निंग में देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो कॉकरोच है बारीक बारीक, अगर अक्सर लोग बर्तन वगैरह रख देते हैं सिंक में, तो उसकी वजह से आ जाते हैं। तो बर्तन वगैरह भी रात को क्लीन करके ही रखा कीजिए, ताकि साफ सफाई पूरा आपका सिंक जो है साफ सुथरा रहे और क्लियर रहे, और कोई भी प्रॉब्लम ना हो।
हो, ठीक है। तो जैसे कि ये मैंने पानी को डाल दिया है, गर्मा गर्म पानी था, अब इसको क्या करने का, आपको यूज नहीं करना है। ये पानी डालने के बाद है ना, आपको ये सिंक को यूज नहीं करना है, सारा प्रोसेस एंड में ही करना है। मतलब जो भी आपका किचन का काम है सारा कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको ये फॉर्मूला करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ना ये सिंक को बिल्कुल भी यूज नहीं करना, जरा भी इसमें सादा पानी या कोई भी पानी ऐड नहीं करना है। अब इसको ऐसे ही रात भर के लिए छोड़ देना है, सुबह आप चाहो तो यूज कर सकते हो। तो कैसी लगी मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स जरूर बताना।